यार इतनी जोर बनाई है ना तूने, क्या बोलते हो तुम लोग बंगाली में, खूब बालो ये मेरी स्पेशलिटी है। मैं इतनी मच्छी खाता नहीं हूँ वैसे, आज इतनी अच्छी लग रही है ना, मजा आ गया। क्यों पड़ी है तू इसके पीछे बंगालन? अरे बच्चा ही है अभी। वो क्या बोल रही है यार, कुछ नहीं करा उसने और मैं बच्चा नहीं हूँ। तू चुप कर, देखो चुप कर, इस सड़ी मछली खाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, समझा? बुआ जी हम तो बस दोस्त हैं। खबरदार तो तूने मुझे बुआ बोला, समझा ले इसको। ना बोल यार बुआ, बुआ प्लीज बस कर यार, ऐसा कुछ नहीं कर दिया उस लड़की ने। कुछ नहीं कर रही यार, तेरा दिमाग ब्लॉक कर रही है, और इस सड़ी मछली खिला खिला के ना हिला दिया तेरा बुआ। मैं बोल रहा हूँ बस चुप हो जाइए अब तू। ठीक है अब से मैं चुप, अब बोलेगा तो मेरा परा यानी कि तेरा प्यो। राणो अपना हमारे हाथ से निकली जा रहा है। ओए ओए, एक विच 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 और डायन के चक्कर में फंस रहा है, और वो भी बंगालन। हाँ ना 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 ना, शादीशुदा नहीं है। पापा जी से बात कर, बच्चे हो चुके हैं। हाँ हाँ, पहला बच्चा तो पता नहीं अब कहाँ है, लापता है। पापा जी से बात कर रहे हो ना? और ये दूसरा आने वाला है, और तो और अब इसने राणो ने अंडे और सड़ी मछली भी खाना शुरू कर दिया है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रही हूँ मैं? पागल हो गई हो? हाँ हो गई हूँ। पढ़े लिखे हो ना आप? हाँ। लगते तो नहीं हो, इंडिया की ना कैपिटल में रहते हो, कहने को फ्रेंच प्रेस कॉफी पीते हो, लेकिन बातें वही 80s की करते हो अभी तक। और बुआ उसने कुछ नहीं, मैंने ही कुछ भी मत बोल दिया करो उसके बारे में। मैं बोलूंगी, ये मेरा घर है, जो मेरा मन करेगा मैं करूंगी। यहाँ कौन गुलाब जामुन खाएगा, कौन रसमलाई खाएगा, ये मैं तय करूंगी। जिससे मन होगा मैं अपने फोन में उससे बात करूंगी। ठीक है, आपका घर है ना ये? हाँ। आपका घर है ना? हाँ। ओके ठीक है, आप रखो अपने गुलाब जामुन रसगुल्ले अपने पास। ओए, ओए मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी हो गई है। ठीक है, मैं ना यहाँ पे ना अपनी दिमाग की शांति के लिए आया था, वो तो मुझे दूर दूर तक दिख नहीं रही। और ये जो घर की अकड़ दिखा रहे हो ना आप, अब ये घर ना आपको ही मुबारक हो, मुझे ना रहना ही नहीं है इस घर में। मारते हो मुझे आप? जा जा जा, ना शुक्र है तू, बिल्कुल ना शुक्र है, सारे के सारे ना शुक्र हो, कोई मेरे बारे में सोच रहा ही नहीं है। ठहर जा जा जा, बड़ा हीरो बना फिरता है ना, जा देखती हूँ कहाँ जाएगा तू, देखती हूँ मैं। मर गया तुम, मर गया मेरे लिए तू, क्या क्या बंदर बंदरिया कर तुम, माशा हो रहा है क्या, मर गया तू मेरे लिए। इसमें डालियो और यार लंगर बना लिया। एक सवाल पूछूं? जैसे तू बिना पूछे रह लेगी। मेरा मन ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कह रहा है पूछ ले, दूसरा कह रहा है क्या कर रही है यार। तुझे जलेबी कब से पसंद आने लगी हुई? जलेबी? मैंने कब कहा मुझे जलेबी पसंद है? तो सीधा सीधा पूछना, तू रत्ना के घर क्यों नहीं गया? बंदी हॉट है, तुझे हॉट लगती है, तू चली जा। बता ना क्यों नहीं गया? अच्छा अभी जा रहा हूँ अपने रसगुल्ले लेके मैं। अच्छा ठीक है ज्यादा स्टाइल मत मार, खाना खा। ऊपर एक रूम है और एक बरसाती, कहाँ रहेगा तू? देख मैं हूँ गाँव का जानवर, ठीक है? वो तो तू है। मुझे कुलिया बा पसंद है, आई विल गो विद बरसाती। ओके डन। ये रेंट क्या करना है अभी? रोज रसगुल्ले लेके आया कर। रोज रोज
ठीक है, तू रोज के मुझे 50 रुपए देती है, मैं तेरे लिए 2 रसगुल्ले ले आऊंगा। हाँ पापा जी पूछो। वो क्या पूछूं? अरे बुआ ने सवाल भर दिए होंगे ना आपके दिमाग में, पूछो। ओए ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस की दुकान, ओ आंखें उठा के देख। कहाँ देखूं पापा जी, आपको कैसे देख सकता हूँ आंखें उठा के? ओए सामने देख। और तूने क्या अपनी जिंदगी का ये सांप सीढ़ी का गेम बना रखा है, है? यार सांप सीढ़ी आपके टाइम पे होता होगा, हमारे यहाँ पे रोलर कोस्टर बोलते हैं। तू एक कुड़ी के साथ रह रहा है बिना शादी किए, उसके कार में कल्ले हैं, और बाप को रोलर कोस्टर समझा रहा है। लिविन में रह रहा हूँ पापा जी, बट क्या रहने दो, आपको तो समझ आना नहीं है, आप अपनी पजेरों में ही गुजर रहोगे हमेशा, दुनिया मार्स पे पहुंच गई है। रुक जा, मैं ना तेरी सर्जिकल स्ट्राइक करके तुझे खली पे भेज देना, और तू इधर आ, मेरे से गल करनी है। अच्छा मतलब मुझे छितर पड़े और मैं ही उधर आ जाऊँ? मैं नहीं आ रहा, मेरा घर अभी है, आपको बात करनी है आप आ जाओ, मोस्ट वेलकम। ओए और तू आया ना समझी कि ईगो के चक्कर में मैं आऊंगा नहीं, और मैं तू थल्ले आ, मेरे वेलकम की तैयारी कर, गल करनी तेरे नाल, चल आ जा नीचे। यार ईगो पे ही तो दिया था, लिया नहीं। मेरी पहली कमाई। ऐसे ही किसी दिन अपना मुंडा या कुड़ी ना रख दियो मेरी गोद में। ओ आते ही इतना ड्रामेबाजी शुरू कर दी, अंदर चलो अंदर चल के बात कर। मैं नहीं जा रहा अंदर। और तू तो परफेक्ट एग्जांपल है, तेरे ऊपर तो वीडियो बनना चाहिए यूट्यूब का कि अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद करें। अच्छा और मैंने कैसे बर्बाद कर दी अपनी लाइफ? नहीं नहीं अभी हुई नहीं है, लेकिन तेरी गड्डी जिस रास्ते पे जा रही है ना उसके पीछे खाई मुझे साफ दिखाई दे रही है। और यार तुझे समझ नहीं आ रहा है, या कुड़ी नयन नाम है, और जो भी है नयन कनन जो भी है, है? और तेरी जमीन जायदाद के पीछे पड़ी हुई है यार, और तू अमीर है, तेरा शरीर अच्छा है, तेरे से अच्छा कैंडिडेट तो उसे लूटने के लिए मिल ही नहीं सकता। ओ पापा जी एक मिनट जरा ना पॉज हो जाओ थोड़ा सा, पहले तो ना मुझे जमीन जायदाद का मैथ समझा दो। दादाजी की इतनी सी जमीन थी जिसके 4 टुकड़े हुए क्योंकि आप 4 भाई थे, 1/4 आपके हाथ आया, अब उस 1/4 के 3 टुकड़े होंगे क्योंकि हम 3 भाई हैं। आप कह रहे हो उस 1/4 के 1/3 हिस्से के लिए कोई लड़की इतना जोड़ तोड़ कर रही है? पापा जी सोच के तो देखो, मुझसे दोस्ती करके ना उस लड़की ने आप पे एहसान किया है, और ये जो पहली कमाई है ना मेरी उसकी वजह से आई है। ओ यार तू एक काम कर, तू यहीं रह, और मैं ना तेरी माँ को बोल देता हूँ कि उसके 2 ही मुंडे हैं, और मेरा जो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है ना उसके अब सिर्फ 2 ही हिस्से होंगे, ठीक है? और तू यहीं रह। हाँ मैं रह रहा हूँ। रहे ना, मैंने तो मैं रह तो रहा हूँ। हाँ। और आप ये जो मम्मी की बातें बोल रहे हो ना, सुनाई तो उन्हें पूरा देता नहीं, उन्हें क्या बोलोगे, कान भरेंगे। अंदर जाओ आप।